जी सर, कर रही हूँ कर रही हूँ सर। आमला पे दे रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम। थैंक यू सो मच डियर पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी आमला के बारे में कि इसके जो है हमारी हेल्थ पे जो है वो क्या बेनिफिट है, कौन इसका जो है वो कौन से ऐसे मेन कंपाउंड है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आमला जो है इसका जो साइंटिफिकली जिसका नेम होता है एम्बलिका और फिकनल जिसका जो है वो कहा जाता है, इसके अंदर जो मेन कंपाउंड जो कि आमला के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो है वो म्यूकिक एसिड होता है, और इसके अंदर जो है जिसके अंदर मेन फाइटो न्यूट्रेंट प्रेजेंट होता है, फाइटो केमिकल्स हैं वो फिनोलिक एसिड जो है वो आमला के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये एक ऐसा जो है वो ग्लोबुलर शेप का जो है वो फ्रूट होता है, येलो ग्रीन जो है इसका कलर होता है स्मूथ, और ये फ्लैशेज टाइप का जो है ये होता है। ये आमला जो है ये कैसा फ्रूट है जिसको हम अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं। आमला का जो है जैसे हम इसकी चटनी भी बना सकते हैं, हम इसका अचार भी बना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आमला का जो है मुरब्बा भी जो है वो हम इसको बना के जो है हम अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक स्वीट जो है इसकी एक डिलीशियस जो है वो बन जाता है जैसे मुरब्बा वगैरह। तो इसके अलावा जो है हम इसको वेजिटेबल डिशेस वगैरह के अंदर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे मेन न्यूट्रेंट्स हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, जो कि आंवला के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आंवला के देखा जाए तो इसमें जो है वो प्रोटीन भी होती है। प्रोटीन देखा जाए तो ये मेन सोर्स है हमारे डाइट का, जिसमें जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे जो हार्मोन्स के लिए बनाने के लिए, हमारे जो इंजाइम्स होते हैं डाइजेस्ट, कोई भी बॉडी के इंजाइम्स हैं उसको इसके लिए जो है वो चाहिए होता है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रोटीन जो है इसका बड़ा अच्छा रोल होता है हमारे मसल्स की बिल्डिंग के लिए, तो स्ट्रेंथ के लिए जो है वो हमें प्रोटीन चाहिए होता है। इसके अलावा देखा जाए तो आंवला के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे हम बात करें जो ग्लूकोज जिसने हमें एनर्जी देनी होती है। और इस बेस्ट बात यह है कि आंवला के अंदर जो है वो फाइबर भी प्रेजेंट होता है। फाइबर का काम क्या होता है, उसने हमारी बॉडी से क्या करना होता है, कोलेस्ट्रोल को ट्रैप करके बाहर निकालना होता है। इसके अलावा फाइबर का काम क्या होता है कि इतनी जल्दी जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज को बढ़ाता नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो ये इसके अंदर आमला के अंदर जो है वो इस फाइबर होता है। फाइबर का काम क्या होता है कि उसने हमारे जो गट की जो हेल्थ होती है, मतलब कि जो हमारा जो हाजमे का जो सिस्टम होता है उसको बेटर करना होता है, और ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अगर हम इसके विटामिन जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है इसके इसके अंदर जो विटामिन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर विटामिन सी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होता है आंवला के अंदर। और विटामिन सी जो होता है उसका काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडीज में जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उससे हमें प्रिवेंट करना होता है। कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, माइक्रोबियल है, एंटीवायरल है, जैसे आजकल सीजन जो है फ्लू कफ वगैरह तो होता है, तो ये तभी होता है जब हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, इन्फेक्शन जितने भी होते हैं। तो विटामिन सी जो होता है इसका बड़ा रोल होता है हमारी ये इसको सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने, बेटर करने के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें आंवला के अंदर जो है वो एक मेन जो है वो फाइटो न्यूट्रेंट जो प्रेजेंट होता है क्लोरोजेनिक एसिड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें देखा जाए तो क्लोरोजेनिक एसिड का काम क्या होता है, किसने हमारी बॉडी से क्या करना होता है, जो जो एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए जो बेटर होता है, हमारी आर्टरीज वगैरह के लिए एचडीएल जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना होता है, जो कि अमूमन जो है वो 40 से प्लस ही होना चाहिए, 40-60 के रेंज में। हाँ, तो जो इसने क्या करना होता है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, उसको इसने जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी आर्टरीज के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इसने उसको कम करना होता है आंवला ने। तो ये आंवला जो है ये हमारी क्या करेगा, लिपिड प्रोफाइल को क्या करता है, बेटर करता है। इसके अलावा देखा जाए तो आंवला जो है ये हाइपर जो वो वाले लोग जो को डायबिटिक जिनको है वो भी अपनी डाइट के अंदर जो है वो आंवला को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है एक मेन कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो फाइटो केमिकल जो इसके अंदर होता है वो होता है गैलिक एसिड होता है, लैगिक एसिड होता है, गैलोटीन्स वगैरह जो है वो इसके अंदर होता है। और मेन जो जो कि डायबिटिक पेशेंट लाइक डायबिटीज को जो बेटर करता है, इसमें जो मेन कंपाउंड होता है वो होता है कॉर्लीजिन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जितने भी इसके अंदर मेन फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है कि वो वाले फैक्टर जो कि हमारे डिजीज को ट्रिगर करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं, उसको इसने क्या करना होता है, कम करना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये आंवला जो होता है ये हमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है। और इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे मेन मिनरल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरस इसके अंदर प्रेजेंट होता है,
फास्फोरस है, कैल्शियम है इसके अंदर जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन सी भी होता है। तो कैल्शियम जो है वो ये वो वाले पेशेंट जिनको ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली होता है क्या है कि कैल्शियम जो डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हमारी बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस को इनहिबिट करने के लिए भी जो है हम आंवला जो है हम रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें मैग्नीशियम होता है, इसके अलावा जो है इसमें देखा जाए तो इसमें आंवला के अंदर बेस्ट बात यह है कि आंवला के अंदर विटामिन सी तो है ही है, लेकिन इसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है आंवला के अंदर, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। तो जब भी हम कोई भी आयरन वाली डाइट लेते हैं तो उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो हमें विटामिन सी जो है वो चाहिए होता है। तो जो अगर हम आयरन रिच डाइट ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे किशमिश है, मुनक्का है, इसके अलावा लीवर है, जो भी ये मेन सोर्सेज हैं, बीन्स है, कुछ भी है, तो ये सारे आयरन रिच सोर्सेज हैं। जैसे नार है, चुकंदर है, गाजर है, तो ये सारे जो है आयरन रिच सोर्स हैं। तो इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें वाइटामिन सी जो है वो चाहिए होता है बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर जैसे हम बात करें तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें वाइटामिन डी जो है वो चाहिए होता है। तो इसी तरह आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो हमें वाइटामिन सी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो आंवला के अंदर जो है वाइटामिन सी भी प्रेजेंट है नेचुरली तौर पर, इसके अंदर आयरन भी होता है, जो कि जबकि इसकी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेटर एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा देखा जाए तो इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर मेन मिनरल जो प्रेजेंट होते हैं आंवला के अंदर वो क्रोमीन प्रेजेंट होता है, क्रोमियम जो है वो प्रेजेंट होता है। क्रोमियम का बड़ा रोल होता है डायबिटिक्स पर्सन के अंदर। क्रोमियम ने करना क्या होता है कि वो जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जिन्होंने ग्लूकोज को अपटेक करना होता है, डायबिटिक्स में जो जिनको शुगर होती है उसमें बेसिकली होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो वो वाले सेल्स जो मतलब कि जब ग्लूकोज को अंदर अपने नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है। या ये भी हो सकता है कि वो जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने इंसुलिन को जो है वो अपटेक करना होता है, उनके अंदर एबनॉर्मल वो रिसेप्टर्स जो है वो एबनॉर्मल हो गए हैं रिसेप्टर्स जो है, तो उसकी वजह से भी ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज होता है। तो वो जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स को बेटर करने के लिए जो है वो जिंक और क्रोमियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन के अब जो है इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो रिसर्च हमारी इधर रिसर्चेस भी होती हैं, जिसके जो है वो क्रोमियम प्रिकोलिनेट के जो है वो सप्लीमेंट स्पेशली तौर पर बनाए जा रहे हैं ये डायबिटिक पेशेंट को देने के लिए। क्रोमियम का इतना अच्छा रोल होता है वो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स को बेटर करने के लिए। जब हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो है वो बेटर होंगे तो वो ग्लूकोज खुद बहुत जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो आंवला के अंदर जो है ये क्रोमियम जो है प्रेजेंट होता है, जिसने क्या करना होता है कि वो जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर्स उनको बेटर करना होता है। इसके अलावा जो है इसमें जिंक भी होता है जो कि ऑब्वियसली बार बार इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर कॉपर भी प्रेजेंट होता है जो कि हमारी ब्रेन के लिए भी जरूरी होता है। ओके सर, टॉपिक कंप्लीट हो गया। जी सर।